हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो अभी आपने देखा तो इस वीडियो को आज हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए पहले आपके मोबाइल पे एक ग्राइंड मास्टर एप्लीकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको जो मोबाइल या कैमरा है इसको स्टैन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए या कहीं पर रख के आपको इसको वीडियो को बनाना होगा। अगर आप सोचते हो कि इसको हाथ में रख के वीडियो बनाएंगे तो वो कभी नहीं होगा। स्टेबिलिटी होना होगा मोबाइल को या कैमरा को, कहीं थोड़ा भी यह इधर उधर ना हो होना नहीं चाहिए। और एक ख़ास बात है कि आप जब ये वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो पूरा वीडियो एक बार में ही आपको रिकॉर्ड करना होगा। और या फिर जो वेदर है, दिन और रात का जो वेदर है, आप एक ही वेदर पे इस वीडियो को बनाना होगा। अगर आपका वीडियो स्टार्टिंग के टाइम पूरा लाइट है और बीच में आपका वीडियो का अंधेरा छा गया है तो ये वीडियो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेटअप नहीं मिला सकते हो आप। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो बनाना होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि क्लोन कैसे बनाएंगे काइन मास्टर में। बहुत ही आसान है, एक बार आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको भी चुटकी में वीडियो बनाना आएगा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए अभी हम जाएंगे अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन पे, तो आप लोगों को लेकर जाते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको इस वीडियो को बनाने के लिए यहाँ पे आपको काइन मास्टर का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लस सीन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पहला रेशियो है 16:9, तो यहाँ पे तीन रेशियो है 9:16 और 1:1। तो अगर यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, और अगर रील बनाना चाहते हो तो या शॉर्ट बनाना चाहते हो तो 16:9:2 सिलेक्ट करना होगा। या फिर आप अगर चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे कोई आपका वीडियो हो बनाए तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल अभी हम यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, तो इसको हम 16:9 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कैमरा है, कैमरा से जो मैं अपना वीडियो को रिकॉर्ड किया वहाँ पे हम जाएंगे। जाने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को पहले आएंगे। आने के बाद यहाँ पे जो आप सी राइट ऑप्शन देख रहे थे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो पे देखना है, जो अननेसेसरी आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है, मतलब काट कर देना है। काट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से अननेसेसरी पार्ट को आपको काट कर देना है। तो यहाँ तक मेरा जो वीडियो है वो अननेसेसरी पार्ट था, तो मैं इसको यहाँ से पहले वाला को काट कर दूंगा। तो काट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा वीडियो है स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक खींच के लाऊंगा। खींच के लाने के बाद पहला जो शूट है वो यहाँ से यहाँ तक था, तो मैं इसको यहाँ से बीच में से काट लूँगा। यहाँ पे फिर से वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे आप कैसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट हो चुका है, तो हम फिर से इसको देखेंगे अननेसेसरी पार्ट कौन सा है। तो अननेसेसरी पार्ट को हम फिर से यहाँ पे काट कर देंगे। काट करने के बाद फिर से हम कैसी पे जाएंगे, कैसी पे जाने के पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम कितना टाइम वेस्ट किया है तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पे अननेसेसरी पार्ट को हम फिर से काटेंगे, तो यहाँ पे जो है मेरा शूटिंग का यही टाइम था, तो फिर से हम इसको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके काट लेंगे। तो फिर से हम अननेसेसरी पार्ट को देखेंगे। अननेसेसरी पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम फिर से पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके काट लेंगे। काट करने के बाद यहाँ पे लास्ट पे देखेंगे हो चुका है, तो यहाँ पे हम फिर से इसको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके काट कर लेंगे। काट करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस वीडियो को देखेंगे, पहले वाला पार्ट कैसा हुआ, दूसरा वाला पार्ट कैसा हुआ, तीसरा वाला पार्ट कैसा हुआ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको पहले वाला पार्ट सेकेंड वाले पार्ट को यहाँ पे 3 डॉट वाले पे क्लिक करके सेकेंड पे और सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपका जो यहाँ पे सेकेंड पार्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से खींच के इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको पहले वाला पार्ट को खींच के पहले फर्स्ट पार्ट के बराबर कर देना है। तो बराबर करने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड पार्ट को फिर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे दिख रहा है क्रॉपिंग ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा पार्ट को क्रॉप कर देना है। या ध्यान रहे, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक ही बार से शूटिंग करना होगा। बार बार आप इसको शूटिंग नहीं कर सकते हो। एक बार स्टैंड को लगा के पूरा वीडियो शूटिंग कर
करने के बाद ही आपका ये वीडियो हो सकता है। तो यहाँ पे ये मैं क्रॉप कर दिया, तो मैं इसको सिलेक्ट राइट क्लिक पे क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट का वीडियो थोड़ा भरा है, तो मैं फिर से इसको सेकेंड पे क्लिक करके काट कर लूँगा। तो काट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेकेंड वाला वीडियो है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को फिर से हम यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेकंड प्लस पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए इंटर आपका एक कॉपी हो चुका है, तो इसको बड़ा कर लेना है खींच के। तो बड़ा करने के बाद आपको फिर से यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है क्रॉपिंग पे। क्रॉपिंग पे जाने के बाद आपको इस वीडियो को फिर से क्रॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से क्रॉप करूँगा इस बार, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे इस लास्ट पार्ट को मैंने क्रॉप कर लिया, तो यहाँ पे मैंने इसके इसे ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए जो थर्ड पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे खींच के पहले पार्ट का बराबर कर दूंगा और थर्ड पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिडिल वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं हम यहाँ पे कैसे पे सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके काट कर लेंगे। काट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। प्ले करने के बाद ये वीडियो आपको तो यहाँ से मैं वीडियो को आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आपका वीडियो हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।